और ये है वो बंदा जिसका मैं आपको बता रहा था, हैदर भाई आ गए हैं जर्मनी से। कैसे छोटा सा आवाज आई करके छोटी सी। तू क्या कर रहा है ऐसा जनी? जनी ठीक है। ये है जिंगर स्टैकर इधर केएफसी का डबल पैटी। जनवरी हो गई नमाज लेट, तकबीरें शुरू हो गई और हम अभी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, शानदार, जिंदाबाद, मज़ेदार। और पीछे मेरे जूम देख रहे होंगे, ईद की नमाज़ पढ़ने आए आज हम सारे। और आप सबको सबसे ज़्यादा ईद की मुबारक हो। जिन जिन लोगों ने कुर्बान की है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। और जिन्होंने नहीं की, अल्लाह पाक उनको जो है अगले साल तौफीक अता फरमाए। तो अभी हम आए हुए थे हाजी फी सबीलिल्लाह मस्जिद और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी है ईद की अल्हम्दुलिल्लाह। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि हैदर भाई जो जर्मनी में होते हैं मेरे भाई, वो भी आए हुए हैं। उनको दो दिन हो गए आए हुए, तो ये एक बड़ा मुबारक दिन हो गया हमारे लिए भी कि हमारी पूरी फैमिली एक तरह कंप्लीट है। ऑब्वियसली पापा नहीं है तो, बट हमारी बाकी फैमिली सारी कम्प्लीट है और भाभी भी आई हुई है, बच्चा भी आया हुआ है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इन्जॉयमेंट हो रहा है। तो अभी ये है कि हमने नमाज़ पढ़ ली है, अब वही हसब मामूल जिस तरह लास्ट ईद पे हमने जो है अपनी नाश्ता किया था मैकडॉनल्ड्स पे, तो वहीं से भी हम जाके नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करके हमने जो कुर्बानी की है उस जगह पे जाएंगे, स्लॉटर हाउस पे जहाँ पे कुर्बानी की जाती है, वो क्लैंग में है, तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन पहले हम करेंगे नाश्ता और नाश्ते के बाद हम जो है ना आपको वो वाली जर्नी भी दिखाएँगे। लेकिन खून खराब हम नहीं दिखाने वाले, हम सिर्फ आपको जो है बकरे चकरे दिखाएँगे, उनके साथ शुगल है हमारा वो दिखाएँगे। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, बट पहले वी हैव टू ग्रैब मैकडॉनल्ड्स। और वो करने के बाद आपसे मुलाकात होती है थोड़ी सी देर के बाद। और अभी आपको दिखाता हूँ, हैदर भाई से मिलवाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ। और एक और भाई हैं फैसल भाई, ही इज़ वेरी फेमस ऑन टिकटॉक। उनकी आईडी वगैरह जब उनसे मुलाकात कराऊंगा तब आपको उनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा मैं। तो होती है आपसे मुलाकात थोड़ी सी देर बाद। अच्छा तो नाजरीन ये हैं जी फैसल भाई। फैसल भाई क्या हाल है, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ये है वो बंदा जिसका मैं आपको बता रहा था, हैदर भाई आ गए हैं जर्मनी से। तो बड़ा अच्छा दिन है, साहब ही फुल रेडी खड़े हुए हैं। और ये अरुण भाई के दोस्त हैं, सबको ईद मुबारक आपको और हमारी फैमिली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कम्प्लीट है।
बाकी फैसल भाई का जो टिकटॉक का अकाउंट है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, ईद मुबारक जी। आवर फेवरेट स्पॉट फॉर ग्रैबिंग नाश्ता, जैसे लास्ट ईद पे हमने किया था है सर भाई। ये तो शुगर ही बन गए, एक आओ खाओ यहाँ से जाओ बस। ईद की तस्वीरों में फंसे हुए हैं सारे बुरे तरीके से। आवाज आ जाएगी। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया और अभी हम खाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का मिलता है, ये मफ़िन इन्होंने बनाया हुआ है, इसको मफ़िन कहते हैं, और इन्होंने एग डाला हुआ है इसमें, और चिकन पैटी होता है, चीज़ होती है, और ये मफ़िन बड़ा क्रिस्पी होता है और बड़ा मज़े का होता है, एक अलग ही टेस्ट है इसका। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर अपनी अगली जो है ना जर्नी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कैसे छोटा था आवाज आई करके छोटी सी। So guys, we have arrived at our destination today for the slaughtering of Qurban. और ये जगह है क्लैंग में, और क्लैंग का एक थोड़ा सा बैक एरिया है, जैसे कि कंपुंग टाइप होता है, गांव टाइप। और यहाँ पे मेरे पीछे आप राशि देख रहे होंगे, और ये सब अपने अपने बकरे को जो है कुर्बान करवाने आए हुए हैं, और हमारे भी बकरे के कान के पीछे टैग लगाया होगा उन्होंने, तो हम अभी जाके उसको देखेंगे, थोड़ा सा प्यार करेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपने घर में सिटी सेंटर के अंदर रखो और ज़िबा भी खुद ही करो और खून छून जाता है, तो ये लोग इस मामले में ज़रा सफाई पसंद रहते हैं लोग। तो हम बुकिंग जो है यहाँ पे हमेशा से करते आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, इसके पास बकरे आते हैं ईद से 3 दिन पहले, कुछ 2 दिन पहले, तो हम इसको बता देते हैं कि हमारी डिमांड कितनी है, हमें कितने से कितनी रेंज तक का बकरा चाहिए, कितने से कितने केजी का चाहिए, तो ये उसी हिसाब से, हारून नाम है बंदे का और तमिल इंडियन मुस्लिम बंदा है, पूरी फैमिली उसकी जदी पुश्ती यही काम है, और ये लोग नस्ल दर नस्ल यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको हारून से भी मिलवाते हैं और अपने बकरों से भी मिलवाते हैं, और चलें लेट्स गो। तो नाज़रीन, हमारे बकरे जो है ना, 2 बकरे हैं, एक ये वाला जो खारिज कर रहा है, एक उसके पीछे है वो जो छुपा हुआ है, अभी जो है रश लगा हुआ अच्छा खासा, तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा हमारा कुर्बान होते होते, गोटियाँ छोटियाँ होते होते। ये क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहा है? ऐसा जानी जानी ठीक है। हाय, मुझे भी ले लो कैमरे में। वो रस्सी खा गया। अरे रस्सी नहीं खाते। हेलो, एक्सक्यूज मी, ओके आई एम सॉरी। आप भी हो ठीक? हो आप भी ठीक हो? ओके बाय। तो जी ख़वातीनो हज़रात, गोश्त इज़ ऑल सेटल अप, और माशाल्लाह हमने 3 बकरों की कुर्बानी की थी, एक हैदर भाई की तरफ से थी और 2 हमारी तरफ से थी, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो होम। और रस्ते में अगर कुछ खाने का अगर हमें पसंद आता हुआ तो हम देख लेंगे क्या खाना है, और अगर ना दिल किया तो फिर घर जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। तो ये था जी आज का व्लॉग, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, क्या क्या होने वाला है साहब साहब को बताता रहूँगा। हमारी हालतें बहुत ख़राब हुई हैं क्योंकि इट्स टू हॉट, डैम हॉट टुडे इन मलेशिया, और हालतें ख़राब हुई हैं ये सारों की, लेकिन क्या कर सकते हैं।
अभी ये है कि गाड़ी में बैठेंगे, सब जाएंगे और रास्ते में कुछ खाने का मिल गया तो खा लेंगे, उसकी वीडियो दिखा दूंगा आपको, और घर जाके थोड़ा फोटो शूट कर लेंगे और छोटी मोटी चीज़ें देख लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, फिर बारी आ जाएगी गोश्त को संभालने की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें जाना अच्छी खासी मेहनत लगती है, तो ये कपड़े जाना ये सब ख़राब हो जाएंगे, तो इससे पहले कि ये और ख़राब हों, आधे तो ख़राब हो चुके हैं। मैंने गिरेबान इसलिए खोला हुआ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और चले आपसे होती है मुलाकात थोड़ी सी देर बाद। तो जी ख़वातीन हज़रात वेलकम बैक, और घर के लिए हम निकल गए थे लेकिन जैसा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि खाना कुछ खाएंगे, भूख लगी थी, तो हमने काफ़ी रेस्टोरेंट देखे लेकिन आसपास क्लैंग के एरिए में कोई मामा का रेस्टोरेंट या कोई देसी टिपिकल मलेशियन लोकल क्यूजीन कोई नहीं मिला हमें, क्योंकि ऑब्वियसली ईद का पहला दिन है, सब गए होंगे अपने अपने पिंडों थाओं में ईद करने, तो अभी कुछ ना मिलने के अलावा हमारे पास ऑप्शन सिर्फ KFC और मैकडोनल्ड्स बचा था। मैकडोनल्ड्स का नाश्ता हमने सुबह कर लिया था, तो अभी ये है कि हम KFC आ गए और अभी KFC में क्या खाने लगे हैं देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा खा लेंगे, फिर घर जाके चॉप 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 होगा गोश्त के टुकड़ों को, तो चले। देख रहा हूँ तो गाइस मील हमारा आ गया, वी हैव मैश पोटैटो, दो चिकन के पीस हैं KFC के, और साथ में ये नासी कूते हैं वाइट, और ऑलमोस्ट सब यही खा रहे हैं, इधर मैंने जिंगर लिया और खाते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है जिंगर स्टैकर, ये इधर KFC का डबल पैटी जिंगर, फर्स्ट बाइट लो इधर भी, अच्छा मुँह ही खुलना इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा इसके लिए। तो गाइज़ वेलकम बैक, और वी आर ऑल सोटेड अप, जैसा कि कल्चर ही है कि ईद के कामों से फ्री हो के आपने तैयार होके जो है फ़ोटोशूट करना है फैमिली के साथ, विच इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग टू डू, और वही हमने किया है। अभी सब नीचे आए हुए थे हमारे अपार्टमेंट्स के, और अच्छा फ़ोटोशूट किया है, फैमिली टाइम गुजारा है, अभी अंधेरा होने वाला है, बाकी हमने गोश्त सारा आके डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, काट भी लिया, पाउचेज़ वगैरह बना लिए, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे। आज ज़रा स्पेशल होगा क्योंकि हरुण भाई की जो वाइफ है शफक भाभी, वो बना रही है कुछ डिफरेंट स्टाइल का मटन, तो आपसे मुलाकात होगी खाने के टाइम, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कर दें। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक, दिल से दुआएं भाई की आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक आप सबको दुनिया आखिरत की जो ना खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़। तो जी गैस खाना हमने आपको दिखा दिया, और आज का दिन भी हुआ ख़त्म, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें, तो आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, आपसे मुलाकात होती है, हमारी जो जर्नी चल रही है अभी फ्लेवर्स ऑफ मलेशिया, उस सीज़न में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।